अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर असाइनमेंट नंबर टू ऑफ सी एस फोर जीरो नाइन पी दट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल एंड एज़ यू कैन सी कि इसकी जो लास्ट डेट है आपके पास ड्यू डेट दैट इज़ ट्थ ऑफ जनवरी ठीक है इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो ट्वेंटी हैं और उसके अलावा यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं कि लाइक आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है और उसके अलावा आपकी फाइल जो है असाइनमेंट सोल्यूशन की वो करप्ट नहीं होनी चाहिए ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिट करवाना एंड वन मोर थिंग कि आपने जो है वो इनलाइन मोड में अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड करना है ठीक है अब इनलाइन मोड में अगर आपने इमेजेस या स्क्रीन इस तरह का कुछ आपने पेस्ट करना होगा तो वो कैसे होगा कि आपका जो एल का इंटरफेस होगा असाइनमेंट सबमिशन का वहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से जाके जो है वो इमेज या स्क्रीन शॉट भी इन्जर्ट किया जा सकता है पेस्ट किया जा सकता है ठीक है और यहाँ पे जो टेबल वाला ब्लॉग टाइप आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे जो है वो हम टेबल इन्जर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा यहाँ पे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स हैं अच्छा अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास राइट एस क्यूल कमांड टू क्रिएट द स्टूडेंट टेबल हैविंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन या स्पेसिफिकेशनस को और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स होती हैं क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ अब फॉर द टाइमिंग आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा गया है कि आपने सीक्ल कमांड जो है वो राइट करनी है किस चीज़ की स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट टेबल की तो कर लेंगे लेकिन उसने आगे कहा है कि भाई आपने अप्रोप्रिएट मुनासिब जो है वो डेटा टाइप ही है एट्रीब्यूट की सिलेक्ट करनी है और कुछ रिस्ट्रिक्शन उसने खुद से बता दिए हैं कि ये लाइक स्टूडेंट आई स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस ये तीनों जो हैं वो नोट नल होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देखें लाइक like आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर वन ठीक है यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि हमारा जो सीक्वल कमांड्स होती हैं ना जो उनका सेंटेक्स होता है उसमें हम कैपिटल में ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं क्रिएट फिर जो भी आ, हमने करना है कि लाइक टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस क्रिएट करनी है वो हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट टेबल कहा गया ना तो क्रिएट टेबल हो गया एंड देन आपके पास एग्जैक्ट जो नाम दिया गया इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता आपने वैसे का वैसा जो है वो नाम लिख देना है फिर उसके बाद पैरेंथिस जो है वो ओपन होती हैं अब आपने मेक श्योर sure करना है कि ये जो आपको सारे एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं वो आपने सारे के सारे जो है वो यहाँ पर लिख लेना है स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज एंड देन स्टूडेंट एड्रेस ठीक है एक बात दूसरी बात यह कि जब सीक्ल कमांड्स हम लिख रहे होते हैं एस में तो क्या होता है कि आपने लाइक जो भी एक एट्रीब्यूट्स थे ना उनके आगे उनकी प्रॉपर डेटा टाइप्स लिखनी होती हैं और स्टूडेंट आईडी होती है लाइक रोल नंबर तो वो इंट डेटा टाइप है तो यहाँ पे आपने स्पेस देके लिख दिया इंट इसी तरह नेम जो होता है वो वेर कैर होता है लाइक वेरिएबल कैरेक्टर्स उसमें होते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर लिख दिया वेर कैर उसके अलावा स्टूडेंट एज जो होती है वो इंट और स्टूडेंट एड्रेस अगेन वेर कैर अब यहाँ पर सिक्सटी या वन फिफ्टी ये मैंने क्या लिखा है इसको आप अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कहने का मकसद सिर्फ़ ये होता है लाइक अगर किसी स्टूडेंट का नाम है उस्मान फॉर एग्जांपल तो उसका कंप्लीट नेम लाइक फ़र्स्ट मिडल और लास्ट नेम मिल कर कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं तो, तो आम तौर पर जो भी हमारे नेम्स होते हैं वो सिक्सटी कैरेक्टर्स में पूरे हो जाते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिक्सटी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इट डजट मैटर इसी तरह एड्रेस आमतौर पे थोड़ा सा लेंथी होता है तो यहाँ पे मैंने वन फिफ्टी डिक्लेयर कर दिया इसका साइज़ लेकिन वो और कुछ भी, भी हो सकता है अच्छा अब यहाँ पे एक बात और आपने नोट करनी है कि जो नॉट नल नॉट नल नॉट नल जिन जिन डेटा टाइप्स जिन जिन एट्रीब्यूट्स के आगे लिखा हुआ है वहाँ पे ऐसा जो है वो आपने ब्लॉक लेटर्स में लिख देना है और अगेन पैरंथीसिस एंड देन आपका जो है वो सेमी सैमि, सेमिकॉलन जो है वो यहाँ पे आपने इन्जर्ट कर देना ठीक है थीके? तो ये तो था आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर अच्छा अब उसके बाद क्योंकि इसमें ऐसा जिसने सिर्फ़ सीक्ल कमांड्स लिखने के लिए कहा है तो आपने इनलाइन पे जाके जो है वो कर लेना इसको दोबारा से सीक्ल में जो है वो आई डोंट थिंक सो के दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके उसका स्क्रीनशॉट क्योंकि उसने कहा ही नहीं है पेस्ट करने के लिए तो आपको भी ज़रूरत नहीं है ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ यहाँ पर वो कह रहा है कि राइट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज एस ब्लॉक ऑफ कोर्ट टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट टेक स्टूडेंट मार्क्स एज एन इनपुट फ्राम द यूजर एंड डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग ग्रेड एज शोन इन टेबल वन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कोड लिखने का कहा जा रहा है लेकिन यहाँ पे ये क्या कोड है ये है पी एल एस क्यू एल लाइक प्रोसीजरल लैंग्वेज और देन आपके पास है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एस क्यू एल और प्रोसीजरल लैंग्वेज में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जो एस क्यू एल लैंग्वेज होती है ना वो आपके पास कह लें कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है जो कह ये आपको बताती है कि क्या क्या, क्या करना है लेकिन वो करना कैसे है उसका क्या प्रोसीजर है उसके लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करते हैं तो पी एल एस क्यू एल जो है वो असल में एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बताएगा कि क्या करना है और कैसे करना है ठीक है एक बात ये तो मेक श्योर sure कि आपके माइंड में पहली बात तो ये कि ये डिफरेंस क्लियर हो जाए कि एस क्यू एल और पी एल एस क्यू एल में ऐसे डिफरेंस क्या है दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने कोड लिखना है और वो कोड क्या करेगा कि जब वो वो एग्जीक्यूट होगा जब वो रन करेगा तो वो स्टूडेंट को कहेगा कि भाई अपने मार्क्स बताओ ठीक है तो जब स्टूडेंट उसको अपने मार्क्स बताएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी ग्रेडिंग स्कीम होगी लाइक यहाँ पर जो आपको रेफरेंस टेबल दिया गया इसके अकॉर्डिंग आउटपुट में आपने उस स्टूडेंट को बताना है कि आपका जो ग्रेड है वो ये है ए है बी है सी है डी है या एफ है खैर यहाँ पर डी है नहीं अच्छा अब यहाँ पे असल में क्या होगा कि लाइक like, सबमिशन की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने जो है यू हैव टू प्रोवाइड इमेजेस ऑफ बोथ दैट इज़ कोड एंड आउटपुट इन इनलाइन इंटरफेस कि आपने कोड जो है उसका भी इमेज या इमेज या एसे कह लें कि कोड वहाँ पे राइट करना है ठीक है बेशक इमेज आपने अगर कोड का लिखना होगा तो आपने जहाँ पर भी कोड लिखा होगा उसका स्क्रीन आपने पेस्ट कर देना है उसके अलावा अगर कोड वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है तो वैसे कर लें ठीक है उसके अलावा आउटपुट जो है आउटपुट के यहाँ पे आपको सैम्पल्स दिए गए हैं तो उसमें जो है वो एग्जैक्ट आपका ऐसे का ऐसे स्क्रीन ही पेस्ट करना लाजमी है अब ये आउटपुट्स क्या हैं देखें पहले आउटपुट में वो यूज़र को कह रहा है कि भाई मार्क्स एंटर करो ये, ये लाइक स्टूडेंट को फिर सेकेंड आउटपुट जो है उसमें समझेंगे स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर कर दिए और फिर थर्ड में क्या होगा <coughs> थर्ड में जो है वो आपके पास आ जाएगा कि ग्रेड ए है या बी बस या डी है जो भी मतलब मार्क्स इंटर करके पता चलेंगे और आखिर में मतलब ये टाइम लिखा हुआ है कि इतने सेकंड्स में जो है वो आपका कंप्लीट हो गया अच्छा अब कुछ गाइडलाइंस हैं कि इसमें आपने ई फल जो है वो यूज़ करना है अच्छा अब यहाँ पे देखें सी प्लस प्लस में आमतौर पर ई एल एस ई आई एफ एल्स ई ये फॉम वो स्पेलिंग्स होते हैं बट डोंट कन्फ्यूज़ द टू जो पी एल एस क्यू एल में हम कमांड्स uh, लिखते हैं उसमें यही जो है वो कीवर्ड यूज़ होता है ठीक है उसके अलावा डेटा टाइप्स जो है वो आपने प्रॉपर यूज़ करनी है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने प्लेजरिज्म से जो है वो अवॉइड करना है अच्छा अब ये जो आउटपुट्स हैं या स्क्रीन हैं वो असल में औरकल एलेवन जो आपका वरियन है उस पर यह सारा कुछ किया गया ठीक है सो आई होप कि आपने पहले से जो है वो औरकल एलेवन जी इंस्टॉल किया हुआ हो बट इन केस अगर आपने नहीं किया हुआ इवन देन यू डोंट नीड टू वरी यहाँ पे देखें कि एक तो ये लिंक है ठीक है या ये मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है उस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएगा अगर आप गूगल पे अलग से जाके करेंगे और रेकल इलेवन जी डाउनलोड तो आपको जो है वो एक बहुत लेंथी जाके आगे आगे कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा ठीक है तो मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है उससे डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आप लैंड करेंगे ठीक है अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आपका जो सिस्टम है वो 64 लाइक ये वाला अवरियन अगर सपोर्ट कर रहा है विंडो 64 फ़ोन है तो आपने क्या करना है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है ठीक है और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया ये मैंने क्योंकि पहले डाउनलोड कर लिया था तो उसने मुझसे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए नहीं कहा और ये सारा कुछ लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम करना है तो थोड़ा सा जो है वो आपका मे बी चेंज हो खैर ये मैंने पहले किया हुआ है तो डायरेक्ट होता जा रहा है लेकिन यहाँ पे पहले आपको छोटे छोटे लॉक्स नज़र आ रहे होंगे ठीक है और जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको एग्री करना है और फिर आपने जो है वो रैकल पे अपना अकाउंट बनाना है यानी कि कोई ई देनी है नेम पासवर्ड ये सारा कुछ कंट्री और दो तीन चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन की आपसे लेगा वो आपने सिंपल जब प्रोवाइड करनी है और फिर ये डाउनलोड जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा अब जब एक बार डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपने अपने डाउनलोड्स में जाना है ठीक है और वहाँ जाके इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है अब फिलहाल मेरे लैपटॉप में ये वाला सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन कह लें कि मैंने एक्सट्रैक्टर की डाउनलोड की हुई है तो यहाँ से जो है वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से ये यह हो गया एक्सट्रैक्ट हम्म। hmm. अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि डिस्क वन पे जाना है डिस्क वन से ये आपको सेटअप की एक एप्लीकेशन टाइप जो है वो आपको नज़र आ रही होगी अच्छा आमतौर पे अब क्या होता है लाइक like, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है ठीक है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आपने कर लिया तो यहाँ से येस yes. और फिर इस तरह से आगे आगे जो है वो कुछ ऑप्शन चलती रहेंगी सो so, इस तरह से जो है वो आपने कन्फिगर कर लेना है ये आपसे इजीली हो जाएगा अगर किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट फिर मैं आपको जो है वो रिस्पेक्टिवली वहाँ से गाइड कर दूँगी ठीक है अच्छा जब ये एक बार सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जाना है अपने डेस्कटॉप पे ठीक है डेस्कटॉप पे आपको ये वाला जो शॉर्टकट है और का वो आपको क्रिएट हुआ हुआ नज़र आएगा ठीक है इस पर आपने करना है डबल क्लिक इससे क्या होगा कि आपको जो है वो इस तरह का इंटरफेस कुछ नज़र आएगा इसमें आपने क्या करना है कि आपने जाना है एप्लीकेशन एक्सप्रेस में ठीक है यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इंटर करना है अच्छा मैंने क्योंकि पहले से यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है सो यहां से जाके पहले लॉग आउट कर देते हैं देन आपने जाना है एप्लीकेशन एक्सप्रेस में अच्छा अब आपने क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो आईडी डी यहाँ पे क्रिएट की हुई है सो so मेरा जो है वो लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने से जो है वो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा ठीक है एक बार जब ये इंटरफेस आपको नज़र आ गया तो आपने क्या करना है यहाँ से जाना है सीक्वल कमांड्स पे ये बेसिकली इंटरफेस है जहाँ पे आपने पी एल एस क्यू एल कमांड देखे हैं जो लिखनी है और उसके अलावा जब रन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो आंसर गिवन आउटपुट जो है वो आपको मिल जाएगी ठीक है रोज़ का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं अब यहाँ से हम जो है वो कोड लिखते हैं मैं कोड आपको थोड़ा समझाती हूँ पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं अच्छा अब यहाँ पे देखें जैसे इसको रन किया तो आपके पास कोई भी लाइक इस तरह वाला इंटरफेस नजर आएगा ठीक है उसमें अगर फॉर एग्जांपल मैंने टेन वैल्यू इंटर की और इसको सबमिट किया तो वो ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इसका ग्रेड आ गया के एफ़ है ठीक है उसी इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टेन की जगह फॉर सपोज़ मैं मार्क्स लिख देती हूँ एटी एट और फिर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर लिखें एटी एट एंड देन सबमिट करें सो so आपके पास यहाँ पे ग्रेड आ गया ए तो मतलब ये कोड जो है वो इसके अकॉर्डिंग आपके पास इस तरह वाला सीन बन जाएगा अब ये जो पूरा कोड है या तो इसका पूरा आपने स्क्रीन ले लेना है या फिर लाइक like, इमेज बना के आपने इन लाइन में पेस्ट कर देना है या फिर यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ अच्छा अब समझाना बेसिकली क्या है लेट मी टेल यू अच्छा कोड जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये पी एल एस क्यू एल कमांड है ना इस लाइक like, इसका कोड हमने लिखना है तो इसमें कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सबसे पहले हम कहते हैं डिक्लेयर और डिक्लेयर में हम क्या कहते हैं लाइक like, हम जो है कह लें कि डिक्लेरेशन करते हैं कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ठीक है अब सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल था मार्क्स इसी तरह से एक वेरिएबल था आपके पास वी ग्रेड या कह कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो भी ग्रेड है जो कैलकुलेट करके आपको बताएगा ठीक है अब मार्क्स की जो है वो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिख दी इसी तरह ग्रेड की डेटा टाइप मैंने लिख दी करेक्टर और आगे मैंने ब्रैकेट में या पैरंथिस में वन इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रेड्स तो ऐसे ही होते हैं ना सिंगल डिजिट लाइक सिंगल करेक्टर ए बी सी डी तो ताकि यूज़र की तरफ से जो है वो रॉन्ग इनपुट के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ डिक्लेयर के बाद आपने आ जाना है बिगन पे यहाँ पे ये यह जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली कमेंट्स हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये यह जो आपको कॉलन एंड देन मार्क्स कॉलन इक्वल्स टू ये बेसिकली इनिशलाइजेशन कह लें या सिंटेक्स है ओवरऑल पी एल एस क्यू लैंग्वेज का क्यू लैंग्वेज का ठीक है इसमें असल में यहाँ पे ये यह जो टेन है इसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल हम नाइन्टी लिख दें एटी लिख लें सेवेंटी फाइव तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आउटपुट मिलती जाएगी ठीक है तो आपने ये सिंटेक्स जो है वो ध्यान में रखना है ये सी प्लस प्लस है काफ़ी डिफरेंट है अच्छा अब क्योंकि सबमिशन गाइडलाइंस में उसने हमें कहा था कि आपने जो है वो इफ़ और एल का यूज़ करना है तो देखें सबसे पहले इफ़ मैंने यूज़ किया कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन सेवेंटी एंड मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन हंड्रेड लाइक सेवेंटी से हंड्रेड तक अगर यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करे दैन ग्रेड आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू ए ठीक है अब यहाँ पे इसको जो है वो हमने अपोसट्राफी uh, में या इस तरह से ब्रैकेट्स में कोटेशन में इसलिए इनकलोज़ किया है क्योंकि हम इसको कंसोल पे आउटपुट पे ऐसे इसी तरह जो है वो शो करवाना चाहते हैं ठीक है फिर उसके बाद एल जिफ में हमने सेकेंड कंडीशन लगाई कि अगर फिफ्टी से सेवनटी के दरियान में मार्क्स हैं तो बी आएगा फिर उसके बाद हमने लगाई एल जिफ़ अगेन और ये सेमी कॉलन और ये कॉलन इज़ इक्वल टू इन सब का ख्याल रखना है आपने क्यों क्योंकि एक एक कोड uh, में चेंज की वजह से आपका जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है और काफ़ी एरर्स आपके आ सकते हैं अच्छा उसके बाद यहाँ पे डी तो क्योंकि था नहीं इफ़ यू डू रिमेंबर तो एल्स में आखिर में लाइक ईफ एल जी फल जी और फिर आखिर में जाके हम एल्स कर देते हैं कि डी क्योंकि हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं एंड देन अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन लाइनअप ये सी आउट कह लेंगे स्टेटमेंट है और अगर लाइक ए बी सी और एफ में से यूज़र कुछ भी जो है वो इस तरह के मार्क्स नहीं इंटर करता कि ज़ीरो से लेके कह लें ये आपके पास क्या था ज़ीरो से हंड्रेड तक अगर वो कोई मार्क्स इंटर नहीं करता कह कि थाउजेंड मार्क्स इंटर कर देता है तो फिर स्क्रीन पे शो होगा इन वेलिड मार्क्स इंटरड ठीक है प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो लिख दें रिटर्न एंड देन अगेन ये तो यूज़र से आपने जो है वो कह लें कि इनपुट ली थी ठीक है ऊपर और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि डिस्प्ले करना है ग्रेड को और यहाँ पर आपको जो है वो डबल लाइन्स नज़र आ रही हैं और सिंपल ग्रेड आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और फिर आपके पास ये जो वी ग्रेड यानी कि जो वेरिएबल ऊपर कैलकुलेट हुआ है सारा वो आ जाएगा ठीक है एंड और फिर ये जो बैक स्लैश होती है ये आपने याद रखना है कि पी एल सीक्वल में जब भी हमने कोई कोड एग्जीक्यूट करना होता है तो ये एंड पे जो है वो डालनी जरूरी होती है ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आना है ये मैंने सीक्वल वर्कशॉप से आगे आपको आने का तरीका बता दिया है यहाँ पर आपने सारा कॉपी पेस्ट कर लेना है या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ही कोड लिख लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको रन करना है जब रन करेंगे तो एक बार जो है वो आपने इस तरह से लेना है ठीक है और फिर उसके बाद आपने इस तरह से वैल्यू और फिर ये जो है वो आपको नज़र आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है वो ये असाइनमेंट आपकी होनी थी इसमें अब कोड में क्या क्या आपके चेंजेस हो सकते हैं देखें कोड में सिंपल आपने क्या करना है अब वेरिएबल्स वगैरह हम थोड़े से चेंज कर सकते हैं जैसे अब मार्क्स है मार्क्स की जगह आप कुछ भी वेरिएबल वी ग्रेड ये भी वेरिएबल है उसके अलावा ई फेलजिव स्ट्रक्चर तो हर हाल में यूज़ होना है और बाकी सेंटेक्स भी जो है वो वैसे का वैसे रहेगा इसमें ऐसे इस कुछ चेंज हो ही नहीं सकता सो दिस वॉज ऑल अबाउट असाइनमेंट नंबर टू ऑफ सी एस फोर जीरो नाइन पी अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल See you soon till then khuda hafiz